The fraction of atom of radioactive element that decay in 6 days is 7/8. यानी वो कह रहा है कि 6 दिन में 7/8 decay हो चुका है. The fraction that decays in 10 days will be, तो 10 दिन में कितना decay होगा. तो basically अगर तो 6 दिन में इतना decay हुआ है तो हमारे पास रह कितना गया, हमारे पास जो remaining रह गया वो हमारे पास 1 - 7/8 करेंगे तो वो 1/8 रह जाएगा. अब इसको करने का एक लॉजिकल तरीका और एक फार्मूला वाला तरीका दोनों समझाता हूँ क्या. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पूरा एलिमेंट था, ठीक है, पहली हाफ लाइफ के बाद हाफ रह गया यानी कि 1/2, दूसरी हाफ लाइफ के बाद 1/4 रह गया, तीसरी हाफ लाइफ के बाद 1/8 रह गया, यानी कि कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं उस पर, टोटल 3, ठीक हो गया. या इसको आप इसी तरह से लिख सकते हो, आपके पास एक फार्मूला है कि जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो 1/2 raised to power n होता है, यहाँ पे n हाफ लाइफ्स हैं, ठीक है. तो हमारे पास 1/8 है तो 1/8 को हम लिख सकते हैं 1/2 raised to power 3. तो यहाँ से भी हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स उसकी पता चल रही हैं, ठीक हो गया. अब हाफ लाइफ्स हम क्यों निकाल रहे हैं, हमें ये पता चल जाए कि 6 दिन में उसकी 3 हाफ लाइफ्स हुई हैं तो उसकी हाफ लाइफ है कितनी. उसकी हाफ लाइफ हमारे पास असल में 2 दिन है, ठीक है. तो हमें उसकी हाफ लाइफ पता चल गई 2 दिन है, तो 10 दिन में कितनी हाफ लाइफ्स होंगी, 5, ठीक हो गया. हमें उसकी हाफ लाइफ्स पता चल गई तो हम निकालेंगे कि वो 5 हाफ लाइफ्स में कितना डिके होने के बाद कितना रह जाएगा, इसलिए ये रिमेनिंग का फार्मूला आपके पास. तो 5 हाफ लाइफ्स के बाद यानी कि 10 दिन के बाद जो रह जाएगा वो 1/2 raised to power 5 यानी कि 1/32 रह जाएगा. और इसको सिंपली हम डिके कितना हो गया, 1 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास डिकेड आ जाएगा कि इतना डिके हो गया. ये हमारे पास रिमेनिंग है, 1 में से उसको माइनस करेंगे यानी कि फॉर एग्जांपल ये है, तो अगर ये डिके हो गया हमारे पास तो बाकी जो ये सारा है ये हमारे पास रिमेनिंग है. तो यही हमने निकालना था, तो 1 में से 1/32 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 31/32 आ जाएगा जो कि हमारे पास बीटा में मौजूद है.